बिहार सरकार की हालिया डोमिसाइल नीति के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार शरीफ में रैली निकालकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का पुतला फूंका, जिसकी अध्यक्षता अजय कुमार द्वारा किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी चंदन राजपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षक बहाली में सरकार जिस तरह से तेजी से यू टर्न ले रही है, अब सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम अभ्यर्थी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, पढ़ाई करें या अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार के लोगों के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, या पूरे भारत के लोगों के लिए। कल 1 जुलाई 2023 को इसी नियमावली के विरोध में और डोमिसाइल के विरोध में पटना गांधी मैदान में वो धरना प्रदर्शन करेंगे। आज का प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि एक सरकार के द्वारा काला फरमान लाया गया है, एक नियमावली लाई गई है, बिहार शिक्षक बहाली नया नियमावली लाई गई है 2023। इसमें इतना न छेद है कि प्रतिदिन सरकार कभी इस छेद को बंद करती है वो छेद खुल जाता है, वो छेद को बंद करती है तब वो छेद खुल जाता है। और इसमें डोमिसाइल नीति लागू था और डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। 11 दिन में पिछले 8 संशोधन हो चुका है। ये ड्रामा कर रहा है सरकार या हम लोग को बहाली कर रहा है? संशोधन एक बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम के लिए दी बोली तो एग्जाम के लिए हम लोग तैयार हो गए। अब जो है डोमिसाइल ही समाप्त कर दिया गया है। हम लोगों को मौका दूसरे राज्य में नहीं मिलता है, बिहारियों को भगा दिया जाता है। तो आखिर हमारे बिहार में दूसरे राज्य किस लिए मिल रहा है? इसी सब का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इस 72 छेद वाले नियमावलों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार हाय हाय। कब तक आपका ये प्रदर्शन चलेगा? ये कल महा आंदोलन होने वाला है पटना में, और नीतीश कुमार और फेलस्वी जी को और माननीय शिक्षा मंत्री को सबको बता देंगे। शिक्षा मंत्री जो अपमानित करने का काम किए हैं, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि बिहार के नियोजित शिक्षक अनपढ़ हैं इसलिए नियमावली लाई गई है। अब अभ्यर्थी को भी बोल रहे हैं कि बिहार के अभ्यर्थियों में योग्यता ही नहीं है। ये कल महा आंदोलन होने वाला, जब तक कि सरकार अपने काले फरमान को वापस नहीं करेगी। अगर इसमें इस नियमावली में और छेद दिखाई दे रहा है तो सरकार पुनः विचार करे और नियमावली पर मंथन करे। लेकिन बहाली सिर्फ बिहारियों का हो, हमारा सीट है, हमारा हक है, बिहार हमारा घर है। दूसरे राज्य में भगाया जाता है तो आखिर हमारे घर से हमारे गार्जियन भगाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार नाम है।